हाउ डिड दिस होल बेटिंग ऐप का लफड़ा स्टार्ट आई थिंक सो क्रिकेट का मैच था 2000 का आई गॉट अराउंड 14000 वो अमाउंट इन अ फ्लिक गायब हो गया एंड ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए वो अमाउंट आया ही नहीं है अगर कोई अर्न कर रहा है ना वो ऐप उसका साथ बिल्कुल नहीं देगा 32 35000 जितना चला गया दो तीन महीने में 8 टू 10000 तक मैंने इंस्टेंट लूज किया है लेकिन जस्ट लाइक टेन सेकेंड्स एक ऐसा केस था जो मैंने पैतीस लाख क्रिकेटर्स ने इतना खराब एग्जांपल सेट किया yes. है यही एग्जैक्ट चीज ना जब मैं लोगों को समझाता हूँ गुस्सा हो जाते हैं सारे जो ब्रांड्स है ना वो करंटली यूथ का एक गलत फायदा ले बिहाइंड सीन्स जो है डैमेज हो रहा है देश को वो ही तो लास्ट है ना उससे ना आगे के जनरेशन पे इफेक्ट पड़ता है हेलो एंड वेलकम टू मिस सोल्ड प्रेजेंटेड बाय वन फाइनेंस एक ऐसा शो जहां पर हम फाइनेंस और पैसों के अराउंड रॉ एंड रियल कन्वर्सेशंस करते हैं आज के एपिसोड में मेरे साथ है विनीत पार्ट ऑफ माई ऑडियंस माय स्टोरी नहीं है कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं हमारे कैसे होंगे लेकिन इस वीडियो का पूरा पॉइंट है कि हम बेटिंग एप्स की के बारे में कुछ डार्क सीक्रेट्स रिवील करेंटेड बाई वन फाइनेंस एक ऐसी जो आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेज नेविगेट करने में हेल्प करती है और इस प्रोसेस में ये कमीशन से एक भी रुपया नहीं कमाते

एंड लॉन्ग टर्म में आई मीन टू फाइनेंस थिंकिंग टू मूव फॉर ओके नाइस सो नाउ टेल मी हाउ डिड दिस होल बेटिंग एप का लफड़ा स्टार्ट सो यहाँ पे लाइक like, कोई अगर गैमलिंग में अंदर जाता है देर इज लाइक अ रीजन या तो उनको ऑटोमेटिकली पैसे दिखते हैं या तो कोई दोस्त आके बता देता है क्योंकि ये लत जो होती है वो फ्रेंड्स के थ्रू ही लाइक like, वायरल होती है कि हाँ यार ये चीज़ आजकल तो, 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 तो फ्रेंड्स यार आजकल क्रिकेटर भी बताते हैं क्या बात कर रहे हो तुम एंड लाइक मेरे मेरा भी ये जो जर्नी है वो एक दोस्त के थ्रू ही चालू हुआ सो आई वॉज लाइक कि यार इसमें से बहुत पैसे आ रहे हैं बराबर स्टार्ट किया तब मस्त आ रहे थे एंड साइकोलॉजिकली आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इमोशंस लाइक रुके नहीं जा रहे थे कि यार अब तो बस इसमें से काफी ज़्यादा पैसा आ सकता है आगे जाके एंड इसमें से ही अर्न करना है सो so, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस छोड़ के मैंने यहाँ पे रिसर्च करना चालू किया कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकता है बट इट इन लॉन्ग रन लाइक दो तीन महीना काम किया इट डेंट आउट स्टार्टिंग के एक महीना आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि आ चुके हैं पैसे अब तो बस इससे ही अर्न करना है एंड mm -hmm. दिमाग में बैठ गया कि दिस इज़ अ बिजनेस

इन द लॉन्ग रन पता भी नहीं चलता है कि कितने जा रहे हैं कितने आएंगे आगे लाइक जीरो प्रोबेबिलिटी कि आप यहाँ से हंड्रेड परसेंट लेके जाओगे स्टार्टिंग hmm. में मिल चुके थे सो आई थॉट मंथली अगर मैं यहाँ पे फाइव या टेन थाउजेंड डालू तो कितना ही फर्क पड़ जाएगा इट्स एन इन्वेस्टिंग वैसा वै, वो थॉट के साथ मैं यहाँ पे गया करेक्ट एंड uh, दो तीन महीने बाद इट वॉज लाइक इतना डिफरेंट हो चुका है वो सिनारियो जो मैं स्टार्टिंग में था एंड देन तीन महीने बाद जो देखा मैंने आई वॉज लॉस आई जस्ट लूज अराउंड थर्टी फाइव थर्टी टू थर्टी फाइव थाउजेंड जितना चला गया दो तीन महीने में एंड आई वॉज लाइक अभी रिकवर करना है इसको ओ किसी भी तरीके से हाँ सो सेम सिनारियो इन्वेस्टमेंट है वापस आ जाएगा स्टॉक मार्केट में भी तो लॉस होते हैं इसमें भी हो, हो गया हो गया ठीक है और एक और चीज ना लोग रियलाइज नहीं करते हैं सब लोग क्या बोलते हैं यार वेरीफाइड ऐप है सब फेयर होता है असली लोग होते हैं नाइनटी परसेंट एप्स है ना बॉट्स का यूज करते हैं और एक रिग एक्चुअली सिर्फ वो ऐप जीत रहे आपको लग रहा है कि आप असली इंसान के अगेंस्ट खेल रहे हो इन रियलिटी वो एक बॉट होगा या फिर कई बार तो यार वहां पे मतलब कोई है भी नहीं आप अकेले हो एक्टली एवरीथिंग इज रिग्ड एंड इट इज नॉट रिग्ड यू माइट भी प्लेइंग अगेंस्ट रियल प्लेयर्स बट वहाँ पे भी वही सी ना आप कैसीनो में जाते हो तो एक रूल होता है पता है the house wins. Yes. वहां भी वही होता है गो ऑन लाइक ये जैसा आपने बोला इट वाज लाइक हंड्रेड परसेंट राइट्रैटेजी भी बनाते हो ना हाँ. कि आप कसिनो में जाते हो कि एक एक अमाउंट में लाइक पार्ट कर दूंगा एंड देन आई स्टार्ट प्लेइंग गेम यहाँ पे हर दो गेम के बाद यहाँ पे एल्गोरिदम चेंज हो जाता है सो हाँ. यू so, कि थर्ड वाला जो है वो कैसा होने वाला है हुँ. एक बार लूज किया सेकेंड टाइम विन किया थर्ड टाइम आप और लगा दोगे पैसा क्योंकि आपको लाइक like, अपने जेब से तो डाल दिया बट अर्न नहीं हुआ वहां से सो थर्ड टाइम यू विल इन्वेस्ट मोर आई वोट से इन्वेस्ट लाइक ये बहुत पॉजिटिव uh, वर्ड हो जाता हाँ. है लाइक like, बट यहाँ पे पैसा लगा देते हाँ. हो कि हाँ रिस्क बढ़ा देते हो कि यहाँ पे अभी रिटर्न आएंगे तो ज्यादा आएंगे लाइक हाँ. like, या तो डबल या तो कुछ नहीं हाँ. वैसा So, ये के साथ मैं भी चलता था एंड हाँ. काफी अलग अलग गेम्स होते थे लाइक हाँ. लिटरली like, जो बच्चे खेलते हैं ना like, games हो गए जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो यू लूज द मनी यू जस्ट कि कितने पे बॉम्ब नहीं होंगे लाइक वी कैन चूज इट ओके सो लाइक यहाँ पे नहीं होगा सो yeah. वहां हुआ यू yes. okay. so, वहाँ पे आप अगर टेन थाउजेंड लगाते फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज की है एट टू टेन

लाइक अभी वहां पे ही जाके ब्लास्ट हुआ दैट मीन्स दैट पर्सन और दैट बॉट यू सेड वहां पे उसको पता है कि आपका साइकोलॉजी क्या है या फिर अभी हमने क्लिक किया वेर यू क्लिक दैट्स गोइंग टू बी या तो वहां पे वो चीज हुआ तो दैट वॉज द मैक्स अमाउंट एक इंस्टेंट वन सेकेंड में मैंने लाइक लूज किए थे एंड आईव लाइक स्टॉप प्लेइंग अभी के लिए एंड आई वुड लाइक टेल पीपल की मत जाओ ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पैसे आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच के जा रहे हो बट इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आप हंड्रेड एंड टेन परसेंट दे के आओगे अपने जेब से सो देर इज नो वे यू कैन गेट रिच को नो वे लाइक नो वे यही चीज ना मैं वीडियोज में तो बताती ही हूँ आई है लॉट ऑफ कॉन्टेंट अराउंड बेटिंग एप्स एंड हाउ इट्स इंडस्ट्री बहुत लोगों में बोला कि यार यहाँ पे ना नहीं होना है गेट रिच कोई ऐसा कुछ नहीं होता बेटिंग ऐप्स ही नहीं आप लाइफ में भी फटाफट पैसे कमा लोगे ऐसा नहीं होता पैसे बनते हैं तो पेशेंस से बनते हैं मेहनत से बनते हैं ये दो ही वेज है एंड एक और चीज़ अगर आपको पैसे बनाने हैं तो उसका लिटरली सिर्फ एक तरीका है सबसे पहले आप मेहनत करते हो अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाते हो और दूसरा इस पैसे को सेंसिबली एक जगह पे इन्वेस्ट करते हो एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट के अराउंड अनबायस्ड एडवाइस चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड ऐसी गाइडेंस चाहिए जहां पे कमीशन से कोई इंसान नहीं कमा रहा सो यू कैन चेक आउट वन फाइनेंस एक और चीज जो बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि कंसल्टेशन ये सिर्फ ना अमीरों के लिए होती है आपके एसेट्स मैनेज करने होती है मेरे पास तो एसेट्स ही नहीं है लेकिन लाइबिलिटी प्लानिंग डैमेज कंट्रोल ये भी यहाँ पे बहुत सारे एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं सो लेट्स यू हैव अ लॉट ऑफ लोन्स या फिर आपके भी गैम्बलिंग एप्स में बहुत सारे पैसे गए हैं अब आप ऐसे एक पॉइंट पो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है तो भी ऐसे इंटरमीडियरीज आपकी हेल्प कर सकते हैं बेसिकली डैमेज कंट्रोल के लिए भी ऐसे सारे क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हैं सो so, अगर आप एक ऐसे इंसान की तलाश में हो जो कमीशन से नहीं कमाता आपके एक्शन से उसका फायदा नहीं होता यानी आपके एक्शन में उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो तो चेकआउट वन फाइनेंस विद लिंक इन द डिस्क्रिप्शन Anyway, मुझे बताना कि जब ये सारे लॉसेस हो रहे थे सो हाउ डिड इट अफेक्ट योर फैमिली हाउ डिड इट अफेक्ट द थिंग्स अराउंड यू हाउ डिड इट अफेक्ट योर फाइनेंस सो अगर आप लाइक अर्न फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं फोर्टी थाउजेंड कर रहा था एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग वन थर्ड ऑफ दैट अमाउंट दैट मीन्स वो जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा काम आ सकती थी घर पे बराबर बट वंस यू पुट दैट थिंग इन एन इन्वेस्टमेंट या तो वो जो एप्स है आई वुड रिकमेंड मत करो मैं अभी भी वो सोच रहा हूँ ना तो इट्स लाइक like, दस हजार ऐसे फ्लिक में चले जाता है mm -hmm. आपको तो इमोशनली वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगा ही बट आपकी फैमिली में अगर इन केस इन फ्यूचर जरूरत पड़े वो पैसों की mm -hmm. तो आप और डैमेज हो, हो गए दिमाग से कि यार आज अगर वो पैसे होते अगर मैंने वो बेट नहीं किया होता mm -hmm. तो शायद ज्यादा काम आ जाते mm -hmm. सो घर पे तो वैसे इशू हुआ नहीं है क्योंकि आई वॉज ओके टू मैनेज एवरी बट ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोगों ने ये सोच के लाइक डाले उसमें पैसे की बहुत ज्यादा हो जाएंगे उनके घर पे लाइक लिटरली आज बहुत इश्यूज हुए हैं एंड अभी भी चल रहे हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं उन प्रॉब्लम से तो मैं so, इस पे एक कहानी बताता हूँ ठीक है आपको याद है आपने मेरे को रिप्लाई किया था स्टोरी पे जब मैंने स्टोरी ये, डाली थी कि अगर आपके बैटिंग एप्स में कुछ लॉसेस हुए हैं तो प्लीज स्टोरी पे रिप्लाई कीजिए हमको एक वीडियो बनाना है सो ऐसे ना मुझे उस दिन ऑलमोस्ट दो से ज्यादा रिप्लाई जाए बहुत सारे लोग तो उसमें एक ऐसा केस था जो मैंने सुनकर मतलब लिटरली ना आंखों में पानी आ जाता था ऐसा केस तो इस बंदे ने मुझे बताया इस बंदे ने ना ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए गवाए थे और तब उसने मुझे एक प्रैक्टिस बताई मतलब इफ माई फैमिली गेट्स टू नो ऐसा हुआ है तो यार बहुत नाम खराब होगा सो so इस बंदे ने ना ऑलमोस्ट पैंतीस लाख रुपए गवाए थे और तब उसने मुझे एक प्रैक्टिस बताई उसने कहा कि ये सारे जो एप्स होते हैं ना इनके लिए उनके स्टार कस्टमर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे खो रहे हैं और जो लोग सबसे ज्यादा जीत रहे हैं ना उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं आपका एप आप बंद हो जाएगा या आपको बेटिंग पे लिमिट्स प्लेस हो जाएंगे बट यू आर ऑलवेज गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट इफ़ यू लूज अलॉट आपका कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस अच्छा होगा आप अगर हजार रुपए डाल रहे हो तो आपको पंद्रह सौ मिलेंगे बोलेंगे आपको बोनस मिला है बिकॉज इंडिया वो भी बस बोलने वाली बात है आप लूज करने वाले हो एंड ऐसे कर करके ना उसने पैतीस लाख रुपए खोए ये ऐसा एक बंदा था जो मैरिड था उसकी एक बेटी थी एंड ऐसे सिचुएशन में उसने पैंतीस लाख खोया और उसने कहा कि देखो इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट मेरे लिए वो नहीं आया आई स्टिल हैव सम लेफ्ट जिससे मैं उसकी पढ़ाई करवा सकता हूँ लेकिन और पैंतीस लाख ,00 होते लाइफ थोड़ी और आसान हो सकती है तो अभी भी वो सोचता हूँ मैं रो देता हूँ ऐसा उसने कहा

अच्छा अमाउंट है एक बार यही अमाउंट से जैसा लोगों के दिमाग में आता है कि आपने ये इतना अर्न किया है तो उस अमाउंट से खेलता है एटलीस्ट जेब हाँ। से नहीं जाए तो मैंने वो अमाउंट डाला एंड वो अमाउंट इन अ फ्लिक गायब हो गया मतलब आपका गेन यस yes, गेन तो दिमाग में होता है ये तो मैंने मतलब प्रॉफिट है ना तो इससे yes, कर लेता इससे कर लेता है अभी मैंने वो चीज से ना कोई गेम खेली देर वॉज नथिंग आई डिड मैंने सिर्फ वो अमाउंट को ट्रांसफर किया उस अकाउंट में एंड ऑलमोस्ट दस दिन के लिए वो अमाउंट आया ही नहीं है Mm -hmm. And I was like, ये क्या सीन है एंड कस्टमर सपोर्ट में मैंने टेक्स किए उनका वैसे पर्सनल कोई कॉन्टेक्ट तो होता नहीं है सो ई मेल वगैरह की है मैंने एंड दस दिन बाद जब वो अमाउंट आया आई was लाइक like, ये क्या करने जा रहा था जब जेब में पैसे हैं मैं लगा रहा हूँ एंड दस दिन के लिए मैंने मेरी जेब से लाइक फोर्टी फाइव थाउजेंड मैंने देखे ही नहीं लाइक mm -hmm. like, मेरे अमाउंट से फोर्टी फाइव थाउजेंड गायब थे दस दिन के लिए तो आई कोड समथिंग एल्स लाइक मोर बेटर देन दिस बेटिंग एप्स सो so, वो एक रियलाइज हुआ कि जो लोग कमा रहे जैसे आपने बोला हाँ। उनके लिए वो अकाउंट लाइक अचानक से पैसे वो ले भी लेंगे एंड कुछ टाइम तक वो दिखाएंगे भी नहीं आई डोंट नो वो लोग उस अमाउंट से क्या करते होंगे या विद बट पे एक चीज रियलाइज हुआ था कि अगर कोई अर्न कर रहा है ना वो ऐप उसका साथ बिल्कुल नहीं देगा बराबर सो so, ये अभी मुझे लाइक वो चीज हाँ। हुआ क्लिक एक कि... और चीज बताता हूँ क्या होता है पता है ऐसा ना आपको लत लगाने के लिए स्टार्ट में आप थोड़ा जीतते हो

कि अमेरिका के जो सबसे गरीब लोग है ना वो लॉटरी पे 33 टाइम्स ज्यादा स्पेंड करते हैं देन द दे पीपल उन्होंने एक स्टडी स्टडी की जहां पे पिन जो 1 पिन पिन कोड जो जो कोड्स कोड्स थे थे और जो 1 पिन थे। तो पुअरेस्ट जो थे वो चार गुना ज्यादा स्पेंड करते थे रिचेस्ट से लॉटरी पे ये क्यों क्योंकि जो अमीर इंसान है ना उसको पे ऑफ पता है yes. उसको पता है कि ना यहाँ पे इतना लॉस का पोटेंशियल है इतना प्रॉफिट का पोटेंशियल है मोर इंपॉर्टेंटली इस इंसान के पास इतना एक्टिव इनकम है कि वो बोलता है यार क्या है ठीक है एक लाख रुपए गए तो गए मैं मजे के लिए कर रहा हूँ वो एस्केप के लिए नहीं करता लेकिन जो गरीब इंसान है ना वो मजबूरी के लिए करता है उसे लगता है कि अगर मैं बीस रुपए का लॉटरी टिकट ले रहा हूँ और अगर जैकपॉट एक करोड़ का है मुझे अगर एक लाख भी आ गए तो थोड़ी मदद तो, मदद हो तो जाएगी है ना अगर एक लाख भी वहां से आ गए तो कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा होगा तो ऐसा कर करके ना जो इंसान साल के ही कमाता है दो या ढाई लाख रुपए वो हर दिन बीस रुपए का एक टिकट ऐसे दस टिकट लेगा दो सौ रुपए खर्च करेगा और वैसे दो सौ रुपये हर रोज खर्च करेगा कुछ जीतेगा नहीं right. लेकिन ये जो पैसे थे जो शायद वो अपने फैमिली के लिए यूज कर सकता था बच्चे की पढ़ाई के लिए यूज कर सकता था जीरो हो जाते दैट इज दे लाइक जो एप्स वगैरह है उनको चाहिए ही कि आप अपने दिमाग में वो चीज बिठा के आओ कि स्टार्टिंग में नहीं तो बाद में कि मैं जीत जाऊ बट आई डोंट थिंक सो वो कभी पॉसिबल होगा एंड आपको क्या लगता है ये बैटिंग एप्स तो एक ठीक है बट जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है

एंड mm -hmm. उस चीज में भी आई वो लाइक यार ये तो लाइक like, जस्ट एक आ, हमारे दिमाग में वी जस्ट हैव टू चूज द टीम जो जीतेगी करेक्ट इसमें रिस्क इस फिफ्टी प्लेयर्स या द दॉप प्लेयर फिफ्टी फिफ्टी रिस्क है अगर हार गए तो इतने जा रहे हैं आ गए तो इट्स बेटर तो यहां पे अलग ही कि आई डोंट नो अभी अंदर टीम्स के अंदर क्या डिस्कस होता है या क्या होता है या बड़े लोग जो हैं जो बड़ा अमाउंट लगाते हैं आई थिंक सो वो गेम्स को कंट्रोल करते हो या ये गेमिंग एप्स ही होते हैं जो लाइक like, लोगों को ऑप्शन ही वो देते हैं जो टीम या तो हारने वाली है या तो जीतने वाली बट यहाँ पे जीतने का जो रिस्क है दैट इज आई डोंट थिंक सो लाइक दो से ज्यादा होगा जीतने वाले

ओपिनियन बट सेकेंडली हमेशा ना कमेंट सेक्शन में एक ऐसा भी बंदा होगा आके बोलेगा मैंने ना एक करोड़ रुपए कमाए बोलो आई दिखाता हूँ ठीक कमाए होंगे लेकिन भाई तू एक है तेरे पीछे और शायद निन्यानवे लाख लोग थे right. जिन्होंने पैसे खोए मेहनत के पैसे है ना और एक चीज ये जो चीज है फैंटेसी स्पोर्ट्स की वो कितनी ज्यादा मल्टी वेरिएट है वो देखना मतलब इस जो ये शब्द मैंने यूज किया यू हैव टू मेक अ टीम ऑफ इलेवन पीपल यस आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो कि इन ग्यारह में कौन अच्छा खेलेगा कौन नहीं कितने सारे वेरिएबल्स है वो प्लेयर उस दिन सही से सोया नहीं उसका उस टाइम पे फॉर्म कैसे चल रहा है उस दिन पिच कैसी है

तो वो एक दिमाग के अंदर वो एक अमाउंट लेके चलते हैं कि इतने से इतना पैसा आया तो ठीक करेक्ट यहाँ पे किसी के पास वो स्किल नहीं है कि वो गैम्बलिंग में उन लोगों से आगे बढ़ सके जिन्होंने वो गैम्बलिंग ऐप बनाई है हाँ आई डोंट थिंक सो कोई एक इंडिविजुअल अपना दिमाग लगा के उस एप को हरा सकता है करेक्ट सो so, पे सिर्फ लोग अर्न करने के हिसाब से जाते हैं कि यार मैंने अगर इतना लगाया इतना मिल जाए आई एम हैप्पी बट देन बाद में वो चीज कैसे इफेक्ट uh, करती है आपको कि आप अपने जेब का भी देके आओगे कभी ना कभी दैट इज हंड्रेड परसेंट एक बार अर्न किया ठीक है दूसरी बार गए तुम अपना जेब का देके आए फिर रिकवर करो mm -hmm. ये चीजें कभी खत्म होंगी नहीं टिल द टाइम आपका दिमाग इतना स्टेबल है कि यार आप जाओ ही नहीं वो जगह mm -hmm. बराबर आपको पता है इस दरवाजे के पीछे लाइक कुछ नहीं है कुछ नहीं Dead है या तो हाँ, 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 फिर भी आप खोल के अंदर जाने का ट्राई करते हो ये रिस्क लेके यार अगर सोना निकल गया तो हाँ ये चीज बहुत गलत है अभी के यंग जनरेशन मुझे एक और चीज लगता है ना कि ये सारे जो ब्रांड्स है ना वो करंटली यूथ का एक गलत फायदा ले रहे हैं बिकॉज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ना यूथ का क्या सिनारियो है लोग मेहनत करके कॉलेज जाते हैं बहुत सारी पढ़ाई करते हैं कैसे ना कैसे एग्ज़ाम पास करते हैं और फिर नौकरी नहीं मिलती या फिर समझ आता है कि यार हम जो चीज़ें सीख रहे थे कॉलेज में वो अप टू डेट ही नहीं थी हमको स्किल्स में ट्रेन ही नहीं किया कि कोई एम्प्लॉयर हमें नौकरी देने तैयार ही नहीं है क्योंकि हम क्वालिफाइड ही नहीं है उसके लिए तो ये जो हेल्पलेसनेस एक आ जाता है उस चीज पे ये ब्रांड्स कैपिटलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसा फैन बेस है जहां हेल्पलेसनेस से ये सारे एस्केप ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर क्लाइंटेल और कौन सा हो सकता है है ना राइट right. यहाँ पे लोगों के दिमाग में लाइक YouTube या Instagram ने जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों ने एक वर्ड डाल के रखा हुआ है मैट्रिक्स हाँ उनके हिसाब से है कि जॉब करना इज अ मैट्रिक्स बट एक्चुअल चीज है तो लाइक सिनेरियो इज लाइक डिफरेंट कि अगर आप कहीं से एक शुरुआत करते हो आप भाई आप स्टेबल इनकम रख रहे हो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो right. कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो शायद अपने ड्रीम्स पूरा करने की कोशिश में हो किसी दिन इसमें गलत क्या है क्या मेट्रिक्स है यार अगर ये मैट्रिक्स है तो ठीक है मेरे को रहना है मैट्रिक्स में लोगों का दिमाग ऐसा है कि यार मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ गधा मजदूरी करना है exactly. ऐसा ही एक इन्फ्लुंसर ने डाल के रखा हुआ है पीपल हु जस्ट वांट उनको पैसों के अलावा किसी और सी चीज से मतलब नहीं है तो यंग जनरेशन के दिमाग में ये चीज हटाना लाइक like, बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स मतलब मेहनत करके आगे बढ़ना होता है करेक्ट निकलना है अगर मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए यहाँ पे लोगों ने पूरा चीज लाइक डाइवर्ट करके रखा हुआ है बेटिंग एप्स में जहां पे आपका लाइक रेशियो जीरो

गैम्बलिंग कभी प्रमोट नहीं करेंगे हम ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं प्रमोट करेंगे जिससे लोगों का कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन अब पर्सनल लोन भी एक बहुत फेमस बैंकिंग प्रोडक्ट है सारी बैंक ऑफर करती है पर अगर मैं अपने दोस्त को नहीं बोलूंगा भाई तू जाकर पर्सनल लोन ले ले तो मैं अपने ऑडियंस को किस मुंह से बोलूँ right. तो हम वो प्रमोट नहीं करते फिर uh, हम कंज्यूमर uh, ई वाले प्रो, प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करते कितने बार हमको आया है कि यार आप 200 कितना सॉरी दो हजार रुपये पर महीने में आईफोन ले लो हमारा ऑफर चल रहा है राइट वी डोंट डू इट आई एडवाइस माई फ्रेंड टू बाय एन आई ऑन फाइनेंसिंग सो आई वु एडवाइस माई ऑडियंस सो इट सिंपल वी प्रमोट प्रोडक्ट दैट वी आर नाइनटी नाइन परसेंट लाइकली टू यूज द रीजन एज ए आई है एक परसेंट होता है जहां सुटेबिलिटी का इशू आता है नाउ लेट से एक क्रेडिट कार्ड है जो एक बहुत बेसिक क्रेडिट कार्ड है जो किसी बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है अब मान लो वो मेरी रिक्वायरमेंट में सही नहीं है सो वाई वुड आई यूज इट दैट इज द एक्सेप्शन वेर आई वुड नॉट यूज अ प्रोडक्ट आई प्रमोट पर अब ये वही प्रोडक्ट है जो मैं अपने दोस्तों को भी बोलूंगा यार ये या अच्छा प्रोडक्ट है ले सो दैट्स हाउ वी लुक एट प्रोमोशन एंड आई यू you नो know, हम जब भी, भी प्रोमोशंस करते हैं हम सिर्फ रिसर्च नहीं हम प्रॉपर ब्रांड की ड्यू डिलीजेंस करते हैं वी ट्राई एंड गेट ऑन कॉल्स विद द फाउंडर वी स्पीक टू कस्टमर्स वी रीड रिव्यूज हम देखते हैं कि यार अगर ये ब्रांड ऐसा बोल रहा है कि हम ये चीज करते हैं तो सच में वो डिलीवर करता है या नहीं अगर कोई मतलब कोई एटेक uh, प्लेटफॉर्म है जो बोलता है कि हम प्लेसमेंट गारंटी करते हैं तो जाके स्टूडेंट से बात करो मिली क्या प्लेसमेंट जो इन्होंने बोला था इन्होंने दिया तुमको So, ये सारी चीजें yeah, like, अभी पे influencers and सब लोगों के दिमाग में एक and ही again, चीज़ है कि you know, क्रिकेटर्स ने इतना खराब एग्जांपल सेट किया है yes. क्रिकेटर्स राइट लाइक नेशनल हीरोज इन्होंने इतना खराब एग्जांपल सेट कर रखा है तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट क्रिएटर्स टू लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड बिकॉज नाउ क्रिकेटर जब भी एक आकर बैटिंग की एड करता है गुटके की एड करता है तो उससे उसका वेकेशन होम खरीदा जा सकता है फॉर अ क्रिएटर दैट्स मे बी मंथली इनकम इट्स अ वेरी हाई स्टैंडर्ड टू एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कि अभी ये चीज देख के लोग ये चीजों में पैसे ना लगाए एंड अगर एक रुपया भी वो मेहनत से कमा रहे आई डोंट वॉन्ट कि वो एक रुपया भी वहां पे जाए जहाँ पे आप डबल कर सकते हो हाँ. मेहनत से आप इन्वेस्टमेंट करो ये करो सारी चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे आपने बोला आगे जाके बहुत काम आ सकता है बट ये बेटिंग ऐप से जितना दूर हो सकता है होपफुली हु. लोग हो जाए ये मेन प्रॉब्लम लाइक यंग जनरेशन की ही है कि अभी लगा रहे हैं उनके उनको पता नहीं कि मेहनत क्या है ये चीजें उनके दिमाग में कभी किसी ने बिठाई नहीं लोग मजदूरी करते हैं ओके लाइक दे आर नॉट दैट एजुकेटेड कि वो लोग बहुत ज्यादा अर्न करते हो अगर वो दिन में 500 कमा रहे हैं ना दे आर यूजिंग द मनी टू गैम्बल थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड जितना वो गैम्बलिंग में डाल देता है एंड देन लास्ट जो सौ रुपए बचते हैं आई डोंट वांट टू से यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करना लोगों को बट वो ड्रिंक्स में ही डालेंगे like, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता अगर वो हार जाते पैसे एंड mm -hmm. अगर जीत गए तो आई डोंट नो वो भी ड्रिंक्स में ही जाने वाले आगे ना आगे mm -hmm. बिकॉज पांच सौ से कोई महल तो नहीं खड़ा करेगा नहीं। ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है यंग जनरेशन में तो आ ही रही है बट पहले के लोगों को देख के लोग और कर रहे मेरे लाइक like, अंकल uh, है मेरे मामा है मेरे लाइक like, दादा ये करते थे इन्होंने इनसे पैसा बनाया है आई डोंट नो अभी सौ में से एक इंसान जैसा तुमने बोला कि कोई अमीर बन गया तो बन गया बट बाकी जो नाइनटी नाइन इन्फ्लुंस हो रहे हैं वो ये सोच के हो रहे हैं कि वो भी अमीर बनेंगे करे इकोनॉमिक कॉस्ट है वो ये अभी, uh, I hopefully अभी ये चीज चीज अभी अभी आगे से ना हो बट उन लोगों को देख के मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो 500 सो करता है 400 सो गैमलिंग में डालता है 100 वो कहीं बार में या तो कोई बार के दुकान में जाके डाल के आ जाता है घर पे उन नो उनके कैसे सीनारियज है लाइक बीइंग इन धारावी आई हैव सीन मेनी पीपल जो झगड़ा करते हैं उनकी बीवियों को मारते हैं एंड ये सब चीजें हो रही है इफ यू गो इन लाइक शॉर्ट प्लेसेस प्लेसेज धारा भी हो गया जहाँ पे अर्निंग ज्यादा नहीं है लोगों की वहां पे उनके साथ जितना बुरा हो रहा है ना आई डोंट थिंक सो मुंबई में आप कहीं पे देखोगे मुंबई छोड़ो इंडिया में भी शायद कहीं पे देख, देखना बहुत मुश्किल होता है वो चीज बट वो सारी चीजें देख के आई फील रियली बैड अबाउट दिस की लाइक लोग गैमलिंग में डाल रहे पैसा एंड ऑनेस्टली सेलिब्रिटीज जस्ट लिव इन बबल दे आर नॉट गोइंग टू सी ऑल ऑफ दिस Right. को अपना दे गेटिंग दैट पेमेंट प्रमोट कर रहे हैं डन बिहाइंड द सीन्स जो है डैमेज हो रहा है देश को वही तो लास्ट इनसे ना उससे ना आगे के जनरेशन पे इफेक्ट पड़ता है और वो सारे लोग जो बोलते हैं ना यार रैट रेस है एस आई पी करने से कुछ नहीं होता लाइफ जी लो इतना मत सोचो क्या पॉइंट है आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दिस इज अबाउट अ पर्सन हु वॉज वेरी क्लोज टू मी पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड बैक इन द दीज वो उनकी एक गवर्नमेंट जॉब थी वो बैंक में टेलर जैसे काम करती थी और उन्होंने उस टाइम से इन्वेस्ट किया ट्रेंड आया है ऑफ यू नो एवरी वन डूइ एस आई पी एक बूम आयाडनली वो एटीज से दी थी एंड वेन शी पास अवे ड्यू टू मेडिकल कंडीशन आर फैमिली डोट हैव टू स्पेंड एनी मोर देन थ्री लैख रुपीज ऑन हर ट्रीटमेंट बिकॉज शी वॉज इन्श्योर्ड दट इज हाउ फाइनेंशियली सवी एंड फाइनेंशियली लिटरेट शी वॉज अनफॉर्चुनेटली वेन शी पास अवे शी लेफ्टन पॉइंट फोर सी आर एन एसेट्स एंड अलॉन्ग विध दिस ऐसा नहीं कि पता वो सारे लोग बोलते ना अरे तुम पूरा जिंदगी अगर इन्वेस्ट करोगे तो मजाक कब करोगे जियोगे कब शी डिड एवरी थिंग फॉर एवरी वन अराउंड हर शी ट्रेवल टू वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप शी डिड एंटायर यूरोप टूर बाई हर सेल्फ एट आई थिंक एज सिक्स

That's nice. like, ये लोगों के दिमाग में लाइक like, दोस्त जो गलत चीजें करने में आगे हैंगेटिव ऑल द नेगेटिव थिंग्स वो लोग के दिमाग में ये चीज बैठ गई है की कि लाइफ किसने देखी है कल किसने देखा है हाँ. ये जो चीजें हैं ये जो लैंग्वेज है बोलने की यू ओनली लिव ये ओनली लिव वन एंड कल हो ना हो बट एक्टली यू ओनली है ना ये चीज ये थॉट्स कभी किसी के दिमाग में आए ही नहीं या फिर किसी ने डाले ही नहीं क्योंकि अगर बच्चा है तो उसको चलना भी सिखाना पड़ता है करेक्ट तो लाइक like, गलत इन्फ्लुएंस से दूर रहना इज लाइक मच मोर बेटर अगर आप फाइनेंशियली देख नहीं रहे हो तो गलत लोगों से दूर रहो मेरी एडवाइस ये है क्योंकि मैं जहां से आता हूँ ना आदित्य लाइक like, आगे पीछे रहने वाले लोग ही गलत इन्फ्लुएंस डालते हैं लोगों में उनको नहीं चाहिए कि वो आगे बढ़े लाइक like, वो कहता है ना अगर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो आ, पीछे वाला खींचेगा तो exactly. so, दूर रहना ज्यादा लाइक प्रेफरेबल ऑप्शन है मैं बहुत गलत चीजों में रहा हूँ सो होपफुली अभी आगे मैं खुद को नहीं या किसी और में नहीं देखू की ये इंसान भी ऐसे गलत चीजों में घुस रहा है एंड मैं लोगों को लाइक हंड्रेड परसेंट चाहता हूं कि लोग अच्छे चीजों में जाए एंड आई थिंक सो तुम्हें देख के कोई ना कोई लाइक आगे बढ़ ही जाएगा जैसे Absolutely. मैंने yeah. कर लिया लाइक like, क्लियर मेरा आई डेंट एक्चुअली हैड एन अबाउट इट सो लोग सही चीजों में इन्फ्लुएंस हो दैट्स दैट आई वॉन्ट ना विनीत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड गिविंग टाइम एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दिस वॉज मिस सोल्ड प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस और अगर आपको आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने अनबायस्ड एडवाइस चाहिए So you can download one finance app with the link in the description Investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing